हेलो फ्रेंड्स, जो साउदी स्टाइल खूर होता है ना, वो ज़्यादा तीखा नहीं होता, पर वो बहुत मसालेदार होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें खूर जो है वो अच्छे से 2-3 पानी से धो लेने हैं। हमें ये सारे मसाले कम आंच पे भून लेने हैं। सबसे पहले सूखा नारियल डालें, क्योंकि इससे पकने में वक्त लगता है। इसके बाद एक एक करके सारे मसाले डालते जाइए। सबसे आखिरी में खसखस डालिएगा, क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। सब मसाले पकने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे ही ये पक जाएगा, इसके बाद हमें इसे थोड़ा देर ठंडा होने रख देना है और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। हमने ये थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखा हुआ है, ताकि बाद में भी इसको यूज़ कर सके। हमें 1 लहसुन की गांठ, अदरक और हरा धनिया पीस लेना है। इसके बाद हमें 3 प्याज लेने हैं छोटे वाले, और इसे भून लेना है। थोड़ा सा तेल डालना है इसमें। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। जब प्याज थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाए, तो इसके बाद इसे ठंडा होने देना और ग्राइंड कर लेना है। अब हमें कुकर में 6 चम्मच तेल डालना है। जो साउजी सब्जी होती है ना, वो थोड़ी ऑयली होती है। अब हमें इसमें प्याज का पेस्ट डालना है और इसे अच्छे से फ्राई होने देना है, अच्छा कलर चेंज होने देना है। सारे जो मसाले हैं ना, उसे बहुत अच्छे से फ्राई होने देना है। जब तक वो तेल ना छोड़ देना मसाले, तब तक हमें फ्राई करते रहना है। हमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी का पानी मिला के एक पेस्ट बनाना है और इसे सब्जी में डाल देना है। इससे क्या होगा ना, जो लाल मिर्च है ना, वो जलेगी नहीं। उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। छह सीटी होने देनी है, 3 ज़्यादा आग पे और 3 कम आग पे, और फिर बंद कर देना है। बन गई साउजी स्टाइल खुर की सब्जी। एक सजेशन है, इसे ना रोटी को कुछ करके उसमें रसा डाल के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है।